मॉर्निंग. लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज नंबर 1.5. ठीक है. ओके. टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 सेट्स. आवर न्यू टॉपिक इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ओके. सो लेट्स बी स्टार्ट. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ओके. वी नो दैट सेट्स ए एंड बी आर एम्प्टी सेट. सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. सो वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. सो ए में भी कोई एलिमेंट नहीं है, बी में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए और बी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तब निकलेगा क्या? 5. तो 5 जब आंसर आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे क्या फॉर्मूला के हिसाब से? ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. नंबर ऑफ ए यूनियन नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. अब 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है. तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम ये फॉर्मूला को थोड़े ज़्यादा लिखें तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है. ठीक है. ये फॉर्मूला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. तो यूनियन यानी कि यहाँ पर यूनियन आ गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया, ये दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए वैलिड है. ठीक है. अब बात करें ये फॉर्मूला कब अप्लाई होते हैं. ठीक है. तो अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई करने के लिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 के बारे में. एग्जाम्पल 23 क्या है, उसमें कौन से डेटा कलेक्शन करने हैं, वो सब हमको आना चाहिए. तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स. एक्स एंड वाई हैज टू सेट्स एंड एक्स क्या लिखा है, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स. And such that x union y has 50 elements है x union y has. okay. x has 28 elements. okay. and y has 32 elements. So how many elements does x intersection y have? So how many element? How many elements does x intersection y? ठीक है. तो क्वेश्चन सबसे पहले हम समझ लें कि क्वेश्चन में लिखा है कि x and y has two sets and such that x union y has 50 elements. तो यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन करना है वो है x union y. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन के हिसाब से, नंबर ऑफ x union y इज इक्वल टू 50 एलिमेंट. ठीक है. नंबर ऑफ x union y इज इक्वल टू 50 एलिमेंट्स. नेक्स्ट है x has 28 elements. So हम लिखेंगे number of x is equal to 28 elements. Okay. y has 32 elements. तो हम लिखेंगे क्या,
नंबर ऑफ पाई इज इक्वल टू 32 एलिमेंट्स. और क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन पाई. तो फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें फाइंड करना है. तो अगली थियरी में हमने एक फॉर्मूला लिखी है यूनियन और इंटरसेक्शन के कंबाइंड फॉर्मूला, ठीक है. तो वो फॉर्मूला के यूज करें हम, तो नंबर ऑफ ए एम पी है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. क्लियर. अब बात करें नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू व्हाट, तो नंबर ऑफ एक्स इंटर वाई इज इक्वल टू लिखना है 15. तो 50 यहाँ पर लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्स इक्वल क्या होगा 28. तो यहाँ पर पुट करेंगे पहले 28 प्लस नंबर ऑफ वाई इक्वल क्या पुट करेंगे 32 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है. चलो अब सॉल्यूशन करें इसका. तो 50 ऐसे लें 20 प्लस 32 तो 30 और 20 50 58 और 2 क्या मिलेगा 60 आंसर मिलेगा. तो 60 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. क्लियर. अब बात करें सॉल्यूशन आपकी, 50 क्या करेंगे, 50 माइनस 60 करेंगे इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो ये जब सॉल्यूशन करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, क्या आंसर माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10. तो हम बोल सकते हैं कि वी हैव एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10 एलिमेंट्स, ठीक है. 10 एलिमेंट्स आंसर मिलेगा. तो एग्जाम्पल 23 आप एक बार प्रेफर कर लो और कॉन्सेंट्रेशन से देख लो कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 के बारे में. क्लियर. तो ये क्लियर करो. नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24. एग्जाम्पल नंबर 24. तो एग्जाम्पल नंबर 24 इज व्हाट, इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स. इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स. देर आर 20 टीचर्स Who teach maths or physics? Who teach maths or physics? ठीक है, maths पढ़ा रहा है और physics भी पढ़ा रहा है. Of these 12 teach mathematics. Of these 12 teach maths, okay, mathematics, and 4 teach both physics and mathematics, and 4 teach maths and physics, and 4 teach both maths and physics. So आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है, how many teach physics. क्वेश्चन समझ रहे हम, तो उसके रिलेटेड हम डेटा कलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है. तो डेटा में क्या लिखा है, तो इन स्कूल एक स्कूल है जिसमें 20 टीचर्स है और उसमें से 20 टीचर्स ऐसे हैं, 20 टीचर्स वो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई
is equal to 20. Clear? Number of x union y is equal to 20. X यानी फिटनेस एंड y यानी फिजिक्स, ऐसा सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा है, ऑफ दैट 12 इज मैथ्स एंड 12 इज फिजिक्स, यानी कि नंबर ऑफ x लिखेंगे 12। आगे लिखा है एंड 4 इज बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड 4 इज बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी कि x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कितना है 4, 4 टीचर्स है जो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। हाउ मेनी फिजिक्स, उनमें से फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स कितने होंगे, ठीक है ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एक्स कितना होगा, नंबर ऑफ सॉरी वाई, वाई कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। क्लियर? पॉसिबल है नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ओके, अब वैल्यू पुट करें तो x यूनियन y इज इक्वल टू क्या लिखा है 20, तो यहां पर लिख देंगे हम 20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ x क्या लिखा है 12, तो 12 लिख देंगे। नंबर ऑफ y क्या लिखा है, तो वो तो हमें फाइंड करना है, यहां पर देखो फाइंड करना है, माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y यानी कितना है 4, तो लिख देंगे 4। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, करना बाकी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, 20 का 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 मिलेगा प्लस नंबर ऑफ y। क्लियर? अब 20 माइनस 8 लिखेंगे, माइनस के लिए 20 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ y, यानी कि हम आंसर लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 12, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 12 टीचर्स आर टीचिंग ओनली फिजिक्स, ठीक है। तो ऐसे 12 टीचर्स होंगे जो फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 24 आप एक बार रेफर करके लिख देना। थैंक यू। जैसे कि हम 3 एग्जांपल कंप्लीट कर देंगे उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.6 आपको आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 आपके वीडियो बनेगा, तो तब तक देखो एग्जांपल नंबर 25। तो एग्जांपल नंबर 25 में क्या लिखा है, एग्जांपल नंबर 25 में लिखा है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स का एक क्लास है जिसमें हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, हु लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड क्रिकेट एंड 60 क्या लिखा है, पूरा क्वेश्चन फिर से देखो, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले, 24 24 लिखा है एंड 60 लाइक टू प्ले फुटबॉल, एंड 60 लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल यहां पर यस ओके। चलो लिखेंगे आगे, ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले, ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले ऑल्सो स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। बाद में क्वेश्चन पढ़ लेते सब पूरा, वन ऑफ द टू गेम्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, हाउ मैनी
students, students like to play, like to play both cricket and football. ठीक है, क्वेश्चन अब क्वेश्चन क्या है पूरा समझ। इन क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स का एक क्लास है, 35 स्टूडेंट्स है, जिन 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको क्रिकेट पसंद है और 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको फुटबॉल पसंद है। तो उसके हिसाब से हम डेटा कलेक्शन करें तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एक्स यानी कि क्रिकेट एंड वाई यानी फुटबॉल। तो एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितना है 35 स्टूडेंट्स का एक टोटल 35 स्टूडेंट्स है जिनमें नंबर ऑफ एक्स कितने हैं क्रिकेट वाले कितने हैं 24 एंड फुटबॉल वाले कितने हैं वाई 16। तो क्या फाइंड करना है ऑल्सो इज स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ टू गेम्स यानी कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं यानी कि कितने स्टूडेंट्स हो गए जिसको एक और एक से ज्यादा गेम भी पसंद है, कम से कम एक और एक से ज्यादा गेम भी पसंद है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो इनमें से कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिसको क्रिकेट और फुटबॉल में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। क्लियर, चलो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्लियर, चलो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या होगा, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 35, तो हम यहाँ पर पहले पुट करेंगे 35, नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24, तो नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे 24, नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 16, तो नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू लिखेंगे 16 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को सब्ट्रैक्ट ही करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखेंगे हम, तो आगे ये देखेंगे कि 35 इज इक्वल टू 24 लिखा है, तो 35 इज इक्वल 24 प्लस 16, तो लिखेंगे क्या 35 इज इक्वल 20, 10, 30, 36 और 4 यानी कि क्या मिलेगा 40 आंसर मिलेगा। तो 40 माइनस क्या होगा नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्लियर, अब आगे क्या सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन बाकी है तो हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 35 का 35 माइनस 40 का 40 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखो 35 माइनस 40 क्या मिलेगा आंसर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस में है, 5 भी माइनस है, सो बोथ साइड माइनस माइनस इज पॉजिटिव आंसर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 5, तो बातें हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो फुल फॉर्म में आंसर लिखे हम क्या लिखेंगे, सो वी कैन से दैट 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, क्या लिखेंगे 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 24 यहाँ तक सॉल्यूशन लिखना है आपको, तो एक बार फिर से समझ लें कि इन ए क्लास 35 स्टूडेंट का एक क्लास है और 35 स्टूडेंट यानी कि एक्स नंबर ऑफ एक्स इंडियन वाई इज इक्वल टू लिख लेंगे 35। ठीक है,
24 टाइप को प्ले करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 24, 24 को सो 24 स्टूडेंट को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। नंबर ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, 16, तो नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 16 क्या लिखा है, लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल में इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 16 लिख दिया हमने। और बाद में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू हाउ मेनी, सो लिखना क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसको क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है, यानी कि फुटबॉल और क्रिकेट में ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिसको इंटरेस्ट होगा, तो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू हाउ मेनी, क्लियर। तो यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्लियर। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 35 लिख दिया, 24 लिख दिया, 16 लिख दिया, ये सब्जेक्ट बनाना है, तो 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 40 मिल गया, 40 को उससे लिया तो माइनस 5 मिला, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो आंसर इज 5। तो हम लिख सकते हैं 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्लियर। तो यहां तक आपको सॉल्यूशन करके